अभी मार्केट में बहुत ही अच्छी खट्टी खट्टी कैरी आने लग गई है, तो उस कैरी का इस्तेमाल करके आज मैं आपको ऐसी रेसिपी बनाना बताऊंगी कि एक बार इसे आप बना करके रख देंगे तो पूरे साल भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नमस्कार, पापा मम्मी किचन में आप सभी का स्वागत है। इसके लिए मैंने एक कैरी ली है जिसका वजन लगभग 500 ग्राम है। और इस कैरी को मैंने एक घंटे पहले पानी में भिगा करके रख दिया था। भिगा के रखने का रीज़न ये होता है कि कैरी के अंदर जो गर्मी होती है वो पानी में निकल जाती है, जिसके कारण से कैरी की तासीर है ठंडी हो जाती है। अब इस कैरी को हम पानी में से निकाल लेते हैं और इसे साफ़ कपड़े से पोंछ लेते हैं। इस तरह से पोंछ ले आप, इसके ऊपर का पानी पूरा साफ़ कर लिए। कैरी खरीदते समय आप इस चीज़ का ध्यान रखें, कैरी थोड़ी मोटी साइज़ की खरीदें जिसके अंदर से गुदा ज़्यादा निकले और गुटली या थोड़ी छोटी निकले। अब इस कैरी को हम छील लेते हैं, इसके ऊपर से ही हल्का सा निकाल लेते हैं और इसे छील लेते हैं। इस तरह से आप चाहे चाकू से छील सकते हैं या पीलर से भी छील सकते हैं। आप देख पा रहे हैं हमारी कैरी अंदर से एकदम सफ़ेद निकली है, इसका मतलब है कैरी हमारी बहुत ही कच्ची है। तो कच्ची कैरी को हमें लेना है। यदि कैरी आपकी हल्की सी पकी हुई होगी तो उसे आप ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर नहीं कर पाएंगे। अब इस कैरी को हम काट लेते हैं आराम से। इस तरह से देखिए कैरी हमारी एकदम सफ़ेद निकली है। जो कैरी का जो हार्ड वाला पार्ट है उसको हम निकाल लेंगे। इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, वो भी बड़ा बड़ा पीस इस तरह से निकाल लेंगे। मैं आपको बताती हूँ कैरी को किस तरह से आप काट करके तैयार करें। इस तरह से इसके बड़े बड़े पीस रखें, हम ज़्यादा महीन पीस नहीं करें, ज़्यादा पतले पीस नहीं करें। इस तरह से हमने पूरी कैरी को काट करके तैयार कर लिया है और कैरी का बड़े बड़े पीस ही रखा है, देखिए ज़्यादा छोटे पीस नहीं रखे। अब इसको साइड में रख देते हैं। साइड में हमने एक कढ़ाई के अंदर पानी गर्म कर लिया है और पानी में उबाल भी आ गया है। उबाल आने के बाद में कैरी को इसमें डाल देते हैं। पानी हमारे को इतना डालना है कि कैरी उसके अंदर अच्छे से डूब जाए। तो आप देख पा रहे हैं कैरी इसमें पूरी अच्छे से डूब गई है। अब इस कैरी को हम इसमें 4 से 5 मिनट तक उबाल लेंगे। इतना ज़्यादा नहीं उबालना है कैरी हमारी मैसी हो जाए, इतना उबालना नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ कितना उबाल करके तैयार करना है। इसके ऊपर अभी हम ढक्कन लगा देते हैं जिससे कैरी हमारी जल्दी उबल करके तैयार हो जाएगी। लगभग हमने 5 मिनट तक इसे अच्छे से उबाल लिया है। उबलने के बाद आप देख पा रहे हैं कैरी का कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। आप कोई भी कैरी को ले लें इस तरह से और ले करके इसके अंदर थोड़ा सा चाकू डाल करके देख लें। देखिए इजीली चाकू जा रहा है। बहुत ज़्यादा आप करेंगे तो ये मैसी हो जाएगी। इतना ही हमें पका कर तैयार करना है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे। ये 5 से 6 मिनट में अच्छे से उबल करके तैयार हो जाती है। अभी इसे छानने के लिए मैंने एक बाउल लिया है और उसके ऊपर छलनी लगा दी है और पूरा इसके अंदर डाल देते हैं। आप देख पा रहे हैं ट्रांसलूसेंट दिखने लग गई है कैरी, बहुत अच्छे से पक करके तैयार हो गई है। अभी इसे हम साइड में रख देते हैं और जो पानी इसके नीचे निकला है उसको हम फेंकेंगे नहीं। इससे मैं आपको दूसरी रेसिपी बनाना बताऊंगी। अभी इस कैरी को हम एक पैन के अंदर निकाल देंगे। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम कैरी ली थी, इसलिए इसके अंदर हमें 400 ग्राम शक्कर डालनी पड़ेगी। यदि आप शक्कर नहीं डालना चाहते हैं तो इसकी जगह पर मिश्री भी डाल सकते हैं या आप गुड़ भी डाल सकते हैं। गुड़ डालें तो आप उसे छोटा छोटा तोड़ के डालें या कद्दूकस करके डालें। मिश्री भी डालें तो आप थोड़ा सा मिश्री को कूट करके डालें। यहाँ पर मैंने शक्कर लिया तो शक्कर को मैंने मिक्सी के जार में डाल के पीस लिया है जिससे मैं शक्कर जल्दी गल जाएगी। ये मैंने 400 ग्राम शक्कर ली है। यहाँ पर मैं आपको याद दिला देती हूँ कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करें, अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अभी तक मैंने गैस ऑन नहीं किया है। शक्कर को इस तरह से मिक्स करके आधा घंटे के लिए रख देंगे। कैरी के अंदर से पानी निकलेगा जिससे शक्कर थोड़ी गल जाएगी, पतली हो जाएगी। आप देख पा रहे हैं मैंने शक्कर को पीस के डाला था इसलिए जल्दी से इसका पानी होने लग गया है, शक्कर जल्दी से गलने लग जाती है। इसको ढक्कन लगा करके हम आधा घंटे के लिए रख देते हैं। जब तक हमारी शक्कर पिघल रही है तब तक मैं आपको एक दूसरी रेसिपी बता देती हूँ। जो पानी हमने निकाल करके रखा था कैरी के अंदर से वो भी थोड़ा ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद में इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें अभी सबसे पहले हम 1 टीस्पून जितना भुना हुआ जीरा डाल देते हैं और 1/4 टीस्पून जितना इसमें हम काला नमक डाल देते हैं और 1/4 टीस्पून जितना इसके अंदर हम जो नमक रोज़ खाते हैं वही वाला नमक डाल रहे हैं। इसकी जगह पर आ चाहो तो सेंधा नमक भी डाल सकते हैं और इनको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यदि आपको शुगर की प्रॉब्लम वगैरह है तो आप ऐसे ही पी सकते हैं इसे, इसमें शुगर डालने की ज़रूरत नहीं। यदि आपको शुगर वगैरह नहीं है तो उसकी जगह पर आप इसके अंदर शक्कर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पीसी हुई शक्कर ली है जो लगभग 1/4 कप के बराबर है। इस शक्कर को इसमें डाल देते हैं। शक्कर आप अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। किसी को ज़्यादा मीठा पसंद होता है तो ज़्यादा शक्कर भी डाल सकते हैं और जो शक्कर नहीं खाते हैं वो बिना शक्कर के भी ये पी सकते हैं। ये पीने में बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार होता है। इससे हमारा पानी भी वेस्ट नहीं हुआ है और अच्छा सा शरबत बन करके तैयार हो गया है। अभी ये ठंडा करने के लिए मैंने बर्फ़ लिए हैं, तो आप अपने हिसाब से बर्फ़ डाल सकते हैं। मैंने 10-15 क्यूब लिए हैं वो इसमें डाल देती हूँ। यदि आपके पास पुदीना हो तो पुदीना के पत्ते भी डाल सकते हैं या पुदीना का पाउडर हो तो वो भी डाल सकते हैं। उसका भी फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आएगा।
इस तरह से हमारा ठंडा ठंडा आम का पाना बनकर के तैयार हो गया है और गर्मियों के मौसम में आपको ये जरूर पसंद आएगा। जब तक हमने पाना बनाया तब तक हमारी शक्कर भी इसके अंदर देख के पिघल गई है, काफ़ी पानी छूट गया है, इतना पानी छूट जाता तो सफिशेंट है, फिर आप इसे पका सकते हैं। अभी हम गैस को चालू कर देते हैं, इसमें कोई तरह का पानी वगैरह नहीं डालना है आपको। कैरी में से ही पानी जो निकलता है उससे शक्कर पिघल जाती है, आप देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे शक्कर इसमें और भी गलने लग गई है। आँच को हमें ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है, मध्यम आँच में ही पका करके तैयार करना है, धीरे धीरे शक्कर पूरी पिघल जाएगी इसमें। इस तरह का मुरब्बा एक बार बना करके रख देते हैं तो साल भर भी ख़राब नहीं होता है, बस बनाते समय थोड़ी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आप देख पा रहे हैं धीरे धीरे पूरी शक्कर पिघल गई है, आँच को हमें मध्यम ही रखना है, ज़्यादा तेज़ आँच नहीं रखना, मध्यम आँच में पका करके तैयार करना है। ज़्यादा तेज़ आँच के अंदर जब आप पकाएंगे तो कैरी इसके अंदर जो हमने डाली है वो हार्ड हो जाएगी, इसलिए धीरे धीरे आँच में आप पका करके तैयार करें। देखिए इसके अंदर अच्छा उबाल आ रहा है, अब मैं और भी धीरे कर देती हूँ, स्लो और मीडियम के बीच में आँच कर देती हूँ। अभी इसमें हम एक छोटा पीस दालचीनी का डाल देते हैं जिससे इसका फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आएगा। इसी के साथ मैंने थोड़ी केसर ली है, केसर को मैंने भिगा करके रख दिया था, पानी में भिगा के रख देता है उसका कलर अच्छा आता है, पर केसर डालना ऑप्शनल है, यदि आपके पास हो तो आप डालें। मैं मेरे घर में इस तरह से बना करके तैयार करती हूँ इसलिए मैंने बताया आपको, दिखने में भी रिच लगता है और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। धीरे धीरे केसर अपना कलर छोड़ने लग गई है, देखिए कैरी के अंदर भी केसर का कलर आने लग गया। अभी इसमें आधा छोटा चम्मच जितना इलायची का पाउडर डाल देते हैं, आप चाहे तो इलायची को कूट करके भी डाल सकते हैं। इस तरह का मुरब्बा बना करके आप रख देंगे तो पूड़ी पराठा किसी के साथ भी खाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, ख़ास तौर से बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद होता है, बच्चे बड़े चाव से खाते हैं इसे, बच्चे तो पूड़ी पराठा के साथ साथ ऐसे कोरा भी खा जाते हैं। अभी इसे पकाते हुए लगभग 10 मिनट हो गया है, 10 मिनट के बाद मैं इसे चेक कर लेते हैं। तो हमारे को एक तार की चाशनी बना करके तैयार करना है, इस तरह से आप लें और थोड़ा सा ठंडा कर लें, गर्म गर्म हाथ नहीं लगाएं, फिर उसके बाद में आप हाथ में इस तरह से ले लें और इस तरह से चेक कर लें। आप देख पा रहे हैं हमारा तार बहुत ही अच्छा बन गया है, इस तरह से एक तार बन जाना चाहिए। अभी हम गैस को बंद कर देंगे, इस समय आपको थोड़ा गीला लग रहा होगा पर धीरे धीरे क्या है ये चाशनी गाढ़ी हो जाती है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है तो फिर वो अच्छी नहीं रहती है, इसलिए हमेशा हमारे को एक तार की चाशनी बना करके तैयार करना है। यदि आपकी चाशनी गीली रह जाती है तो आप थोड़ी देर के लिए और पका सकते हैं, क्योंकि चाशनी गीली रह गई तो आपका ये साल भर तक नहीं चलेगा, जल्दी ख़राब हो जाएगा। अभी मुरब्बे को रखे हुए लगभग एक घंटा हो गया है और एक घंटा में अच्छे से ठंडा हो गया है, आप देख पा रहे हैं चाशनी भी हमारी काफ़ी गाढ़ी हो गई है, अभी इसी तरह से गाढ़ी होनी चाहिए। यदि आप चाशनी को बहुत ज़्यादा गाढ़ी कर लेंगे तो कैरी हमारी हार्ड हो जाएगी और चाशनी आपकी जम जाएगी, इसलिए परफेक्ट एक तार की चाशनी बना करके तैयार करें। क्योंकि चाकू इसके अंदर अच्छे से जाना चाहिए, चाकू जैसे डालते हैं अंदर जा रहे हैं बराबर, मतलब परफेक्ट बन करके तैयार हुई है, नहीं तो काफ़ी हार्ड हो जाती है तो ये खाने में अच्छी नहीं लगती। यदि आप इसे शक्कर में ज़्यादा पका लेंगे जो मुरब्बे के पीस है वो हार्ड पड़ जाएंगे, हार्ड नहीं होने चाहिए। अभी मुरब्बा निकालने के लिए आप कभी भी साफ़ बोतल का इस्तेमाल करें, उसमें कोई पानी की मात्रा वगैरह नहीं होनी चाहिए, साफ़ धो करके थोड़ी देर के लिए आप या तो फैन के नीचे रख दें या थोड़ी देर धूप में रख दें, एकदम साफ़ हो जाएगी बोतल। जब बोतल में से निकालते हैं उस समय भी आप साफ चम्मच का इस्तेमाल करें, यदि चम्मच के अंदर आपके पानी वगैरह होगा तो मुरब्बा जल्दी ख़राब हो जाएगा, नहीं तो इस तरह का मुरब्बा बना कर रखेंगे तो साल भर भी ख़राब नहीं होता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि कैरी के अंदर से पड़े पड़े पानी छूट जाता है, आपकी चाशनी बराबर नहीं बनती है, तो उस समय आप क्या करें वापस कढ़ाई के अंदर डाल करके इसे थोड़ी देर के लिए पका लें। चाशनी हमेशा एक तार की बनी हुई होनी चाहिए, यदि एक तार की चाशनी आपकी नहीं होगी तो मुरब्बा जल्दी ख़राब हो जाता है, तो चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी बना करके तैयार कर लें। तो आप भी इस तरह का मुरब्बा बना करके अपने घर में ज़रूर तैयार करें। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।